सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमन ब्लॉग्स 18। और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 12:30 बजे से। काम वगैरह सुबह का जो है वो हो गया है, आज थोड़ा सा लेट ही हो गया क्योंकि वही थोड़ा सा सुबह क्या हुआ कि कागज को छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा उसके साथ लेट गई, उसको दूध पिलाते पिलाते मैं सो गई। तो फिर वही है, आधा पौने घंटे तक मेरी जब नहीं थी मेरे आते, तो फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह ये सब कुछ किया, तो फिर उसको नहलाना धुलाना। तो जस्ट बस अब कपड़े वगैरह बाहर सुखाने डाले, आज मैंने गद्दे भी पूरे डाल दिए। वैसे तो डेली रजाई वाले डालती हूँ लेकिन आज जो नीचे बेडिंग वाली होती है वो सब कुछ डाले, देख ले रहा होगा। फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से मैंने गद्दे वगैरह डाले हैं, कपड़े वगैरह इधर सुखाने डाले हैं, रजाई तो डालती हूँ डेली, बाकी गद्दे वगैरह सब डाल दिए। और आज एक स्पेशल डे भी है, और आज स्पेशल डे भी है, कुछ क्या है वो स्पेशल डे आप लोगों को बताती हूँ। आज मेरे छोटे बेटे ने 3rd मंथ कम्प्लीट कर ली है, तो वही फिर लेट होने का रीज़न ये भी था कि काव्यांश के लिए गोभी के पराठे बनाए, क्योंकि उसको स्कूल में पकौड़ी अलाव नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा पकौड़ी बनाई मैंने, थोड़ा सा सूजी बनाया क्योंकि काव्यांश तो सूजी खाता नहीं है, तो अपने लिए बनाया मैंने थोड़ा बहुत बचा है, वो दिन में या रात में खा लूँगी। तो बाकी बस, और चलिए, और मैं आज वही है, जैसे आप लोगों को पता है कि फोटो सेशन करती हूँ मैं हर मंथ का, तो मैं आज भी सोच रही हूँ करने की, तो चलिए वही स्टार्ट करती हूँ। वो सोया है अभी, तो उसको करने के लिए ना थोड़ा सा धीरे धीरे करना पड़ता है क्योंकि वो जग जाता है ना, तो आज थोड़ा सा बिहाइंड भी सीन देख लोगे आप मेरी फ़ोटो सेशन करके मैं किस तरीके से करती हूँ। तो ये मैंने बिछाया है बेस, जो कि बेस बैठ गया, लेकिन ना इसके आज स्वेटर का कलर और उसका कलर सेम हो गया, तो सोच रही हूँ मैं क्या करूँ बाकी इसको। वैसे तो मैंने इसके लिए दोबारा से कपड़े रखे हैं वहाँ पे, वही पहनाऊँगी, देखती हूँ कहीं ये कपड़े पहनाते पहनाते जग ना जाए। फिर वही है, जब नींद ख़राब हो जाती है बच्चों की तो फिर बहुत लेट सोते हैं बच्चे, तो देखती हूँ दोपहर में सोया है। इधर मैंने आग जला के रखी है तो इसका वार्म अप हो जाता है थोड़ा सा, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ करना। पहले मैं बिंदी और नाव वगैरह भर लेती हूँ ना, ऐसा अजीब सा लग रहा है। तो दोस्तों उसको कपड़े वगैरह चेंज तो मैंने करवा दिए हैं, और कपड़े चेंज करवाए थोड़ा सा उठ गया था, तो फिर 10-15 मिनट उसी में लग गए, तो अभी टाइम हो रहा है 1। मैं फटाफट से ना फोटो सेशन कर लेती हूँ, और वहाँ पे मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो ना जग जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं बोलती हूँ, वहाँ पर मैं वीडियो ऑन कर दूँगी और कुछ बोलूँगी नहीं लेकिन वीडियो बना लूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं ना वीडियो बना लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से बनाए ये 3, और अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे एरो, जस्ट फिर मैं 4 मंथ बनाऊंगी क्योंकि 3 कंप्लीट हो चुके हैं, ये 4th में एंटर हो चुका है। बाकी इधर मैंने इसे कपड़े पहना दिए थे ऊपर से, क्योंकि जो मैंने नहलाने के बाद पहनाए थे ऐसे कपड़े वो इस बेस के साथ मैच कर गया था ग्रीन ग्रीन, तो फिर ऊपर के नहीं आता, इसलिए मैंने इसके ऊपर से इसे कोट पहना दिया। बाकी मैंने इधर कंप्लीट कर दिया है ये, और मैं वीडियो बनाते टाइम नहीं बोल पाई क्योंकि सो रहा था, तो मेरी आवाज़ से परेशान हो रहा था, तो इसीलिए मैंने खाली वह वीडियो बना दी, फिर उसके बाद एडिट कर दिया अपनी आवाज़ को। बाकी कुछ इस तरीके से बिहाइंड ऑफ सीन दिखता है आपको इस तरीके से, तो फोटो में उतना ही दिखता है जितना मैं एडिट करके डालती हूँ कट करके। बाकी ये सो रहा था इसलिए टॉयलेट भी करती थी। दोस्तों फोटो सेशन वगैरह तो मैंने कर लिया था, लेकिन इसको जैसे यहाँ से उठा के मैंने प्राइम में रख दिया, जनाब उठ गया, और इस तरह टॉयलेट भी कर दी वहाँ पे, तो उसको भी सुखाना पड़ेगा। पहले चावल इकट्ठा करती हूँ फिर उसको सुखाने बाहर डालती हूँ, और वो चावल ना वैसे चावल थे, चिड़ियाओं को देने वाले चावल थे,
क्योंकि फिर वो यूज़ में नहीं आते ना, तो एक कटोरी चावल लग गया उसमें, तो कौन वेस्ट करता। तो इसलिए मैंने जो चिड़ियाओं को देती हूँ मैं, वो वाले रखे थे, वो एक दिन गिर गए थे ना, तो मैंने अलग से रखे थे, वही इस पर यूज़ किए। तो वो चिड़ियाओं को दे देती हूँ हर वेडनेसडे को। काव्यांश के लिए बोला है कि वेडनेसडे को चिड़ियाओं को दाना देना है ना, तो वो तो नहीं देता है बट मैं दे देती हूँ। तो फिर चलिए फिर उसको मैं करती हूँ साफ, मुझे नाम जुड़ गए यहाँ पे। तो चलिए फिर अब करती हूँ मैं, समेटती हूँ उसको, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना फोटो सेशन के लिए। तो फिर चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो टाइम हो रहा है 2:30 और काव्यांश को हाथ में वगैरह सब कुछ सुला दिया, बस खाना रेडी है, खाना खाएंगे। वो तो बीच में उठ गया था तो उसको सुलाया मैंने। तो बाकी गद्दे वगैरह आप सभी बाहर ही हैं, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे से कम ही धूप रहती है 1-1.5 बजे तक। फिर उधर भाभी है उनके घर के साइड करके आई हूँ, तो उधर रहती है 3-3:30 बजे तक ना, तो सोच रही हूँ कि वहीं पे रहने देती हूँ और फिर जैसे खाना वाना खा के फिर ले आऊँगी गद्दे। अभी वो सो गया है तो फटाफट से पहले खाना खाते हैं हम लोग, फिर तब देखते हैं आगे का क्या ब्लॉग बनता है मतलब ना। तो फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं और खाने में बना टेस्टी टेस्टी पुलाव जो कि मेरा फेवरेट है। तो चलिए खाते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हो चुकी है शाम और दिन भर में, दिन में तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और टाइम हो रहा अभी 8:10 बजे हैं। सब्जी वगैरह बनी हुई है, बस रोटी बनानी बाकी है। और आज फिर आया, आज जिट्ठी आई है इसकी छोटी वाली, देखी होगी आपने। और ये है आयुषी, आयुषी आई है। और अच्छा लगता है जब आते हैं, अब वैसे भी पोस्टिंग आने वाली है तो फिर मैं बोलती हूँ आ जाओ आ इसीलिए जाओ आ आना जाओ आ जाना जाओ। ज्यादा बना रहता है, फिर लगता है कि अब चले जाएंगे। मैंने कहा कि आ जाओ आ जाओ, क्योंकि यार मैं भी अकेली हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो कोई आ जाए। तो फिर मैंने कहा चलो आ जाओ आ जाओ। कल छुट्टी है बच्चों की, नहीं तो ये कल छुट्टी आने का सोच रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं कल भी है आ आने जाए का, ना, पर आज भी आ जाओ। तो आएंगे। चलो, और जी जी आ गए हैं मार्केट से, ये कुछ काम करने गए थे। निकाल लिया प्रिंट आउट, प्रिंट आउट भी निकल गया, प्रिंट छोटा बेबी आ आपके हाथ ठंडे हुए हैं? हाँ गया, इसको बिल्कुल, लगा लूँ। हाँ ठंडे ठंडे हुए हैं ना जो, कहना जितना जी आपके जो गलम गलम हो जाएंगे ना तो फिर पकड़ना मुझे, है ना, है ना। और क्या मजा आ यहाँ पे रहा जिट्ठिस के पैर दबा रही है। है, क्या मजा आ रहा है इसको पैर दबाते हुए। कुछ बोलो, कुछ बोलो। कौन मैं क्या बोलूँ मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को कि कर दो लाइक यार, कर शेयर दो एंड सब्सक्राइब कर दो रे, कर दो रे। 100 तो कर दो, चार चार बड़ी बच गए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। हाँ और एडिट भी होती है, फिर एडिट भी होती है बच्चों के साथ, इम्पोर्टेंट काम छोड़ के, है काम छोड़ के, है ना। चलिए फिर मारते हैं गपशप, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:20 और खाना वगैरह सब कुछ खा लिया था। ब्लॉग वगैरह मैं बनाना भूल गई थी, जे जे लोग चले गए थे 10 बजे चले गए थे। तो फिर उसके बाद ये माशा अभी सोया नहीं है, काव्यांश तो सो गया है और स्कूल से बस जाता है ना तो फिर लेट मतलब जल्दी उठता है तो फिर सो जाता है, दिन में सोता नहीं है तो इसलिए जल्दी सो गया वो। लेकिन ये महाशय, ये देखो तो ये सोया नहीं है, इसके साथ जागरण करना पड़ेगा 12 बजे तक। अभी भी आधा घंटा है तो बस, बाकी और ये ब्लॉग यहीं पे, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। जल्द मिलती हूँ किसी नए टॉपिक, किसी नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और गुड नाइट, बाय बाय।